ये है वक्त मीडिया। तारीखी शहर मुरादाबाद के तारीखी तालीमी इदारे हैविड मुस्लिम इंटर कॉलेज के तारीखी मिस्टन हॉल में एक अहम प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जिसमें मशहूर व मारूफ सहाफी अदीब और मुहक्किक जनाब मासूम मुरादाबादी की दस्तावेजी किताब तारीख मुरादाबाद का इजरा अमल में आया, जिसकी सदारत प्रोफेसर हसन अहमद निज़ामी ने की और पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने मेहमान खसूसी व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सैयद तुफैल हसन ने मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से शिरकत फरमाई। इस तकरीब का अहतमाम मुरादाबाद की एक तालीमी तंजीम मुरादाबाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने किया था, जिसके सदर और कन्वीनर डॉक्टर राहत जमा खान ने सभी मौजूद मेहमानों और मुआविनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तो मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, अगरचे ये उनका मकाम व मरतबा तो नहीं है और उनके मकाम मरतबे को पहचानना भी हम जैसे तिफले मकतब के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चूँकि हमारे मेंबर पार्लियामेंट हमेशा सबके साथ तआवुन करते हैं, तो हम भी जैसे वो हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए बड़ी भी सूद की अटिया लेकर पहुँच गई थी, तो हम चाहते हैं हम भी उनके साथ तआवुन करें। तो चूँकि उन्हें जाना है, इसलिए मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं हरदिल अजीज मेंबर पार्लियामेंट और साबिक मेयर ऑफ मुरादाबाद मोहतरम डॉक्टर एसटी हसन साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी गुफ्तगू से हम सभी की हौसला अफजाई फरमाएं। मैं इस शेर के साथ उन्हें यहां तक आने की जहमत देना चाहता हूं कि किरदार जिसने अपना सुहाना बना लिया, किरदार जिसने अपना सुहाना बना लिया, उसने मुरीद अपना जमाना बना लिया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर एसटी हसन साहब का। इज्जत माब काबिल एहतराम मेरी मादर दसगाह के मेरे सीनियर जनाब हसन अहमद निज़ामी साहब सदर महफिल और स्टेज पर बैठे हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक और चमकते हुए सितारे जनाब अख्तरुल वासे साहब, हकीम साहब और बानी बल्कि राइटर इस किताब के, जिन्होंने कितनी अच्छी किताब लिखी है, जिसको अक्सर हम लोग तलाश करते हैं कि मुरादाबाद की तारीख क्या है, और तमाम मंच पर बैठे हुए मेरे काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त हजरात, मेरे सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों दोस्तों और साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि मासूम मुरादाबादी साहब ने ये किताब का इजरा किया। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को अच्छी तरह से जानें और पहचानें। इस शहर ने बड़े बड़े तूफान झेले हैं, बड़े बड़े इनकलाब इस शहर से खड़े हुए हैं, लेकिन यह हमारी नस्लों को इस बात का पता नहीं, हमारी बच्चों को उन तारीखों का पता नहीं जो मुरादाबाद से उठकर जिन्होंने हिंदुस्तान में परचम लहराने की कोशिश की। मैं तो इतना जानता हूँ, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, करबला के बाद हम लोग मशहद शिफ्ट हुए थे और मशहद से जनाब अब्दुल रज़ाक साहब जो मेरे आबा अजदाद में थे, शाहजहां ने उनको बुलाया था और वो कुंदरकी में आकर आबाद हुए थे। कुंदरकी में जब उन्होंने अजान दी, लोगों को इतराज़ हुआ, गैर मुस्लिम लोग रहते थे, उन्होंने उनके ऊपर ज्यादतियाँ करी और उनके लड़के का रात में कत्ल हो गया, और शाहजहाँ के मेहमान थे वो, अपने बच्चे की लाश लेकर मुरादाबाद यहाँ पर आए। उस वक्त रुस्तम खां अपने किले की बुनियादें रख रहे थे। वो दौर था जब शुभ अशुभ का बहुत चक्कर होता था और आज भी है। किसी ने ये कहा कि ये तो बड़ा अशुभ हो गया कि एक साहब लाश ले आए।
शाहजहां ने उनको कहा कि इनको कैद कर दो और इनके पास जो लाश है उसकी तफ़्सीम कर दिया है, शाहजहां ने रुस्तम खान ने। हमारे जो रूलर थे मुग़ल बादशाहों की ख़ास बात ये थी कि उनका जासूसी सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, इसीलिए उन्होंने इतने बरस हुकूमत करी। एक जासूस वहाँ पहुँच गया, उसने देखा कि ये सूरत शक्ल से हिंदुस्तानी नहीं लग रहे हैं, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे शाहजहां के बुलावे पर आया था, मेरे साथ ये हुआ। जासूस ने कहा कि आप हमें एक पर्चा लिख के दिए और ये शाहजहां तक पहुँचा दिया जाएगा। पर्चा नवीस हुआ करते थे, उनकी मंजिलें तय होती थी, घोड़ों से एक मंजिल पर गया, दूसरी मंजिल पर दूसरा मिल गया, वो आगे लेके बढ़ गया। दूसरे दिन शाहजहां को उनका वो पर्चा मिला और शाहजहां ने फिर अपना फरमान भेजा रुस्तम खान को कि तुमने मेरे मेहमान के साथ ये सुलूक करा, जिन लोगों ने ये इनके साथ ये ज्यादती करी है उनको सजाए सख्त दी जाए और अगर तुम इसमें कासिर हो तो शाही फौजें कूच करेंगी। वो फरमान देख के वो तो घबरा गए, उन्होंने क्रैक डाउन किया कुंदरकी में और वहाँ पर जो कुछ भी उन्होंने करा उसके नतीजतन ये हुआ कि उन लोगों के गांव आज भी कुंदरकी के दोनों तरफ मौजूद हैं, कुंदरकी छोड़ गए। बाद में हम लोग यहाँ मुरादाबाद आए और मेरे दादा मोहतरम ब्रिटिश पीरियड में चीफ जस्टिस अवध चीफ कोर्ट हुआ करते थे, आज भी LLB की किताबों में उनके फैसलों के जिक्र हैं। इसके अलावा जो जंग आज़ादी में मुरादाबाद का रोल रहा है, मुरादाबाद जो जंग आज़ादी को मैं 1857 को भी जंग आज़ादी मानता हूँ, कोई गदर बदर नहीं था वो, उसमें हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मेरठ से जब फौजी वहाँ से निकल के आए तो यहाँ ये मुरादाबाद की रामगंगा के रेते के ऊपर वो रुके थे जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, और उसके बाद उन्होंने नवाब मजीदुद्दीन खान साहब के साथ मिलकर यहाँ के कलेक्टर को यरगमाल बनाया और यहाँ से अंग्रेज़ों को भगा दिया और तकरीबन नैनीताल तक वो लोग उनका सफाया हो गया और यहाँ पे नवाब मजीदुद्दीन खान साहब की हुकूमत रही मुरादाबाद से लेकर नैनीताल तक। आज भी नैनीताल में थाना मुगलपुरे का एक बोर्ड लगा हुआ है क्योंकि एक थाना मुरादाबाद का नैनीताल भी हुआ करता था। तारीख ने बड़ा सितम किया, बाद में अंग्रेज़ों ने क्रैक डाउन किया, वापस हमला किया मुरादाबाद के ऊपर, उसमें हसन भाई माफ़ करना नवाब रामपुर का रोल बहुत ख़राब था। नवाब रामपुर की फौजों ने अंग्रेज़ों की फौजों से मिलकर मुरादाबाद के अंदर शबे खून मारा, उन लोगों को इसी रामगंगा के रेते पे कत्ल किया गया, वापस कब्जा लिया गया। बताते हैं हमारे बुजुर्ग कि चार लोगों को तोप के दहाने पे रख के उड़ा दिया गया था मुरादाबाद के। नवाब मजीदुद्दीन खान साहब के साथ जो जुल्म हुआ उसे तारीख ने बिल्कुल दबा दिया, छुपा दिया। जिनको इंदिरा चौक पे यहाँ पे चूने का भट्टा होता था, इसका नाम भी कुछ और था, उनको चूने के भट्टे में डाल के जलाया गया और उनकी सिसकती हुई लाश को हाथी के पैर से बांध कर घसीटा गया, और ये प्रिंस रोड से होते हुए मुगल फैजगंज से होते हुए उन्हें निकाला गया और आगे जाके उनकी मौत हो गई। उस वक्त ऐसी चिकनी रोड नहीं होती थी, कंकर की रोडें हुआ करती थी। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी जंग आज़ादी की कुर्बानी किसी ने नहीं दी हिंदुस्तान के लिए जितनी हमारे नवाब ने दी थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे बच्चों को उनकी तारीख नहीं मालूम। तारीख में भी लोगों ने फेर फेर कर दिया, अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को वो तारीख तो बताएं और इस बात का भी एहसास दिलाएं कि ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा भी हिंदुस्तान है, हमारे बाप दादा का भी हिंदुस्तान है, इस पे सबका बराबर का हक और अधिकार है। हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आज अफसोस इस बात का होता है कि वो लोग हमसे वफादारियों के सबूत मांगते हैं जिन्होंने कभी हिंदुस्तान की आज़ादी में
अपना कोई हिस्सा नहीं लिया और बल्कि उल्टा उन्होंने मुखबिरियां करी और माफियां मांगी। वो हमसे हमारा सबूत मांगते हैं। जरूरत इस बात की है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारी आने वाली जनरेशन इस बात का ऐलान करना चाहिए कि इस मुल्क, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क सबका है। सियासी आदमी हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं जो हालात हैं, किस किस तरह से हमारी दिल आजारियां हो रही हैं, किस किस तरह से कानून बने हैं, हमने कितने एजिटेशन करे, क्या क्या हमारे ऊपर गुजरा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कानून तो पार्लियामेंट से बन गए क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है, लेकिन मैं आज आप इस इंटेलिजेंशिया के सामने इस बात को कहता हूं कि सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन ईमान का सौदा हम नहीं कर सकते। चाहे सियासत करें ना करें, चाहे जान बाकी रहे ना रहे, अल्लाह पाक हमारा ईमान महफूज रखे। यूसीसी की आहट है, आपके सांसद ने, आपके एमपी ने सबसे ज्यादा इसके मुखालफत करी है अभी तक, और अब अंदाज ये हो रहा है कि शायद इस सेशन में नहीं आएगा जो परसों से शुरू होने वाला है, लेकिन हमें आज नहीं आया तो कल आ सकता है। हमें जो कुरान पाक ने जो अहकाम दिए हैं, चाहे वो विरासत के अहकाम हों, पारा चार में सूरह निसा में अल्लाह पाक ने बहुत साफ साफ डिवीजन दिए हैं कि लड़के को तुम्हें क्या देना है, लड़की को क्या देना है, बीवी को क्या देना है, बीवी नहीं है तो किसको क्या देना है, सारा डिस्क्रिप्शन है। अगर कोई मुसलमान ये समझता है कि ये गलत है नाउज़ुबिल्लाह, या ये समझता है इसमें तरमीम की जाए, तो मैंने अलग ऐलान इस बात को कहा है कि वो इस्लाम छोड़ के चले जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है। मुसलमान वो है जो अल्लाह के बताए हुए हुक्म के ऊपर चले और कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके हुक्म की अलमबरदारी करे। बहरहाल इसका ताल्लुक इस किताब से भी नहीं है, तारीख से भी नहीं है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मासूम भाई का कि आपने बहुत मेहनत से ये किताब मुरत्तब की है। इंशाल्लाह मैं भी पढ़ूंगा, आप सब लोग भी पढ़ेंगे और हम सब लोग इससे अपनी जानकारी का भी इजाफा करेंगे और अब ये सब चीज़ें अपने बच्चों को भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर एस टी हसन साहब। और आपने जो कुछ कहा वो यूँ समझिए कि हमारे जज्बात की तर्जुमानी फरमाई, क्योंकि हमारे जज्बात भी वही हैं। और अब मैं बहुत, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे और इस तरह के प्रोग्राम जहां किताबों के इजरा होते हैं, कॉन्फ्रेंस वक्त मीडिया कवर करे, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 999-7640286। मैं शफी खान, वक्त मीडिया के लिए मुरादाबाद से।